डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैफी एकेडमी। मैं जय सर इस यूट्यूब चैनल मैफी एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स वर्ल्ड के जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज में हम लोग आज ओम्स लॉ लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। ओम्स लॉ करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं, उसके बीच का रिलेशन डिलीवर करता है। जॉर्ज साइमन ओम एक बहुत ही सेलिब्रेटेड और फेमस फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मोड का अप्लाई करके उन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एक रिलेशन बनाया, और उस रिलेशन को उन्होंने वेरीफाई भी किया ग्राफिकल मेथड से, एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे तरीके से वेरीफाई किया। उसी ओम्स लॉ को, उसी ओम्स नियम को हम आज यहाँ पर डिलीवर करेंगे और उससे, उस स्टेटमेंट से प्राप्त फॉर्मूला को देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये ओम्स लॉ कहता क्या है। तो ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, यानी वेरिएबल टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। यानी वेरिएबल अगर होगा तो उससे कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस होगी उसमें डिफरेंस आएगा, जिसके कारण करंट की जो मेजरमेंट होगी वो डिफरेंस होगा। इसलिए ये ओम्स लॉ स्टेट करता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में हम करंट पास करा रहे हैं तो वह करंट का जो अमाउंट होगा वो उस कंडक्टर के एंड्स के बीच लगे हुए जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अगर हम जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी अनुपात में करंट की भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी घटेगा। तो ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम लोग इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने जाएं तो इसको देखते हैं कि इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, देन बाय ओम्स लॉ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो प्रयोग से पाया गया है कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने वाला जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आर के बराबर होता है, और यह आर एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं, और यह आर आगे चल करके रेसिस्टेंस की बहुत सारे, रेसिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे फार्मूले को गेट करने में मदद करेगा। तो यहाँ आर क्या है? एक रेसिस्टेंस है जो कि कंडक्टर का है, और इसको कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। तो हम लोग ये जो फार्मूला पाए, वी इज इक्वल टू आर इन टू आई, यह फार्मूला हमें ओम्स लॉ से मिला है। इसलिए हम इसको देखते हैं कि यह ओम्स लॉ जो कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का एक रिलेशन बताता है, उससे हम एक फार्मूला पाते हैं जिसको हम लोग V इज इक्वल टू आर इन टू आई कहते हैं। इस फार्मूले का प्रयोग करके बहुत सारे अदर फार्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे, अदर क्वेश्चंस को डिराइव करेंगे, अदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यह जो ओम्स लॉ है इसका हम लोग ग्राफिकली वेरीफाई करेंगे। जस्ट हम लोगों ने क्या किया, ओम्स लॉ को डिलीवर किया, उससे गेट किया फार्मूला, इसको वीडियो पॉज करके इस पॉइंट्स को लिखेंगे, उसके बाद जस्ट हम लोग इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय ग्राफिकल मेथड देखते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक सर्किट लेते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पर डिफरेंट डिफरेंट करंट की अमाउंट को मेज़र करते हैं, और लास्ट में जब हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो पाते हैं कि जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं उसी रेशियो में करंट की जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो भी बढ़ रहा है। जब हम इसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखते हैं कि जैसे जैसे
हम पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग नोट करते हैं, उसी के अनुपात में एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू के साथ करंट भी क्या होता है, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता है। और जब इन दोनों के बीच की जो वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर के हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिजल्ट में हम एक स्ट्रेट लाइन पाते हैं और वह स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है। तो किसी दो क्वांटिटीज़ के बीच अगर रिजल्ट के रूप में स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता हो, तो वो दोनों क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो दोनों आपस में समान अनुपात में होते हैं। तो जो वेरिफिकेशन है ओम्स लॉ का, वो ग्राफिकल मेथड से वो इस प्रकार है कि अगर हम ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, तो हम एक स्ट्रेट लाइन पाते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन पाने का मतलब हुआ कि ये दोनों क्वांटिटी यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे, उस ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हम लोग ग्राफिकल मेथड से यहाँ कर सकते हैं कि इफ़ ए ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड द करंट आई, द ग्राफ इज फाउंड टू बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैन बी ऑब्टेंड ओनली इफ द क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। दो क्वांटिटीज तभी स्ट्रेट लाइन देंगे ग्राफ के रूप में जब वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम लोग कंक्लूड करते हैं कि सिंस द वी आई ग्राफ मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ है इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन देता है, और यह स्ट्रेट लाइन, यह भी और आई के बीच जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो हम कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यह ग्राफिकल मेथड से हमें ये पाते हैं कि जो ओम्स का लॉ था वो 100% ट्रूथ है। तो ग्राफिकल मेथड से हमने ओम्स लॉ को क्या किया, वेरीफाई किया, और यह वेरिफिकेशन हमारे ओम्स लॉ को यानी भी और आई के बीच का जो रिलेशन है उसको 100% प्रूफ करता है, वेरीफाई करता है। तो फ्रेंड्स, यह पॉइंट्स ओम्स लॉ और उसकी वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो पॉज करेंगे, पॉइंट्स को राइट करेंगे और इसको बार बार रिपीट करके हम मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि यह लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस लॉ का प्रयोग करके हम आने वाले समय में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे अदर क्वेश्चंस, बहुत सारे अदर डेरिवेशन क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर हम लोग फिजिक्स वर्ल्ड के सीरीज में न्यू टॉपिक, न्यू फॉर्मूले और कुछ अदर स्टेटमेंट्स लेकर के प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।